कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, काम रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताएं हमें सरकार। आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं को संरक्षित कर रहा है। आप ये सोचिए कि जेलों में कौन मिलता है जाकर के, और जहां पर अपराधी हैं उनकी सांठगांठ किससे है? सत्ता से सांठगांठ है। ये कोई उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय नहीं, सब भारत के लोग हैं। आजाद भारत में पहली बार स्टेडियम का नाम किसी बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है जो बात आप कह रहे हो। आज भारत में पहली बार हुआ होगा कि भगवान का नाम नीचे कर दिया हो और मनुष्य का, इंसान का नाम आगे कर दिया हो। क्या मनुष्य भगवान से ऊपर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा, वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, और बनारस के लोग तुम तो हो, वरना कब साफ होगी उसका भी इंतजार कर रहे हैं। कौन? तो भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय तो बना रही है, लेकिन गरीब नौजवान को रोजगार कब मिलेंगे, वो संस्थाएं कब बनेंगी जिसमें काम रोजगार और नौकरी नौजवानों को मिले? देखिए, वैक्सीन का सरकार बताए कि सबको फ्री कब दे देगी और गरीबों को कब तक पूरा लग जाएगी। सरकार ये बताए कि फ्री वैक्सीन कब लग जाएगा सबको, और गरीब को पूरी वैक्सीन कब तक लग जाएगी? चलिए, बहुत धन्यवाद। सवाल उठाए हैं, जौनपुर के लिए रवाना हुए हैं, बीजेपी पर तंज कसा है, बीजेपी के संकल्प पत्र को याद दिलाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। अब यहां से जौनपुर के लिए निकल लिए हैं। अखिलेश का पूर्वांचल ये दौरा है, पूर्वांचल साधने की कोशिश है, क्योंकि अब चुनाव में एक वर्ष से भी कम वक्त रह गया है। बीजेपी सिर्फ अपने